Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं Mixed with Vasudev। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर था जिन लोगों को नहीं पता है या जो लोग भूल चुके हैं, इस चैनल पे एक मंथली कॉन्टेस्ट एक्टिव है जिसका प्राइस है 18 पीसेस पिरामिड फोम के। और सबसे मजे की बात ये है कि वो प्राइस सिर्फ फर्स्ट पोजिशन वाले को नहीं मिलेगा बल्कि टॉप 3 लोगों को मिलेगा। और लास्ट डेट जो है अपनी एंट्री सबमिट करने की वो है 25th of August। तो इनकेस अगर आप लोग बाकी लोगों की एंट्री सुनना चाहते हो, क्योंकि मैंने ये चीज ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए किया था, आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो #mixwithvasudev या #writearmy। तो उससे क्या होगा, आप लोग बाकी लोगों की भी एंट्री सुन पाओगे। भाई तेरे पास मेरा एड्रेस तो है ना? हाँ हाँ है। क्यों? तू एक प्राइस भिजवा दियो। हैं? किस खुशी में? तूने तो अपनी एंट्री भी अपलोड नहीं की अभी तक। भाई नहीं है। तूने एक बार और बोला ना तो मैं सीधा इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, मुझे लगता था कि तू करप्ट और घटिया इंसान है, तो मैं बस चेक कर रहा था। अच्छा, तेरे से तो मैं बाद में बात करता हूँ इस बारे में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है मेरे से। नहीं, मैं FL नहीं यूज कर रहा। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि बेस्ट लैपटॉप म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए 2020 में कौन सा है। तो आज के वीडियो को मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है और वो ये है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक पीसी में और एक लैपटॉप में क्या डिफरेंस है, ताकि हमें पता चले कि हमें किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों। और सेकंड सेक्शन जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जो आपको चाहिए होंगे अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किन किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है कोई भी लैपटॉप परचेज करते वक्त। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीसी वर्सेस लैपटॉप की, तो देखो सबसे मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि पीसी आपकी बहुत बड़ी स्पेस लेता है, प्लस वो काफी हैवी होता है। वेराज अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप का सबसे मेन फायदा ये होता है कि वो पोर्टेबल होता है। इसके अलावा लैपटॉप का एक और फायदा है कि आप उसको चार्ज करके बाद में भी यूज कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप को कॉन्स्टेंट पावर चाहिए। और इनकेस अगर आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे लाइट वाइट जाने के ज्यादा चांसेस हैं फ्रीक्वेंटली, तो आपको एक इन्वर्टर या फिर UPS चाहिए होगा, और वो भी इतना हैवी चाहिए होगा कि वो आपके सिस्टम बैकअप दे पाए। तो इसके बाद आई एम प्रीटी श्योर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि लैपटॉप ही बेटर है पीसी से, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपका पीसी जो है वो एक बेटर ऑप्शन है म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए। एक पीसी क्यों बेटर है, उसके सिंपल से रीजन ये है कि वो इजीली कस्टमाइजेबल है, यानी कि आप उसका प्रोसेसर चेंज कर सकते हो, आप उसकी रैम अपग्रेड कर सकते हो बहुत आसानी से, जो कि काफी सारे लैपटॉप अलाउ नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो काफी दिक्कत होती है उनमें। इसके अलावा आपके पास डिस्प्ले के ऑप्शन बहुत ज्यादा है लैपटॉप में। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीन साइज काफी छोटा होता है। आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम एक एक्सटर्नल डिस्प्ले भी तो अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ आती है। वेयर एज अगर हम पीसी की बात करें तो उसमें आप बड़ी बड़ी स्क्रीन साइज भी ले सकते हैं, उसके साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं कि पीसी क्यों बेटर है, उसका सिंपल सा रीजन है परफॉर्मेंस। तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, हीटिंग इश्यूज, ये सारी जो भी चीजें हैं, ये एक पीसी ज्यादा बेटर वे में हैंडल करता है रादर देन अ लैपटॉप। लैपटॉप में ये सारे इश्यूज बहुत कॉमन है और आपके लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यही देना चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी टेक नॉलेज है तो कुछ वीडियोस देखें YouTube पे और अपना सिस्टम खुद ही कस्टमाइज करें। और अगर आप लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि एक असेंबल्ड पीसी ले ले, वो ज्यादा सेफ ऑप्शन है। और अगर आप लोगों को पोर्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, अगर आपको लगता है कि मेरे को अपने सिस्टम को इधर से उधर ले जाना ही पड़ेगा, तो डेफिनेटली लैपटॉप के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर मुझे दोनों चीजें चाहिए, परफॉर्मेंस और पोर्टेबिलिटी, तो देख उसके लिए तेरे को एक हाई एंड लैपटॉप लेना पड़ेगा जो कि काफी कॉस्टली हो सकता है। गेमिंग लैपटॉप चलेंगे क्या भाई? इससे बेटर तो और कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पे तेरी कॉस्टिंग काफी ज्यादा हो जाएगी, और वो है ग्राफिक्स कार्ड। गेमिंग लैपटॉप में जो ग्राफिक कार्ड होता है तेरा, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है और उसकी कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा होती है। वेयरएज म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए एक डिसेंट ग्राफिक कार्ड भी चलेगा। भाई कोई टेंशन नहीं, मेरे पास तो पहले से ही 3 है। है? 3 गेमिंग लैपटॉप्स किसके लिए? वो भाई थोड़ा बहुत गेमिंग का भी शौक है मेरे को। क्या बात है यार, तू YouTube चैनल क्यों नहीं खोल लेता? आजकल तो गेमिंग स्ट्रीम से लोग खूब पैसे कमा रहे हैं। भाई तेरा आइडिया बुरा तो नहीं है? तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे एक बढ़िया सा नाम मेरे गेमिंग चैनल के लिए सजेस्ट कर दो नीचे कमेंट्स में। सही सही। तो इसी के साथ अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट चीज है जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज है CPU। तो देखो CPU का फायदा तब होता है जब आप लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, सिंथेसाइजर्स यूज कर रहे हो, बिकॉज वो आपके सिस्टम पे रियल टाइम लोड देते हैं, और उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग CPU रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं वर्जन्स की बात करूं तो 7 जनरेशन के CPU बहुत अच्छे हैं। हमने 2 टर्म जरूर सुनी होगी, एक होती है गीगाहर्ट्ज़ में और एक होता है कोर। तो हमेशा याद रखें कि कोर्स का ज्यादा होना बहुत जरूरी है रादर देन
गीगाहर्ट्ज का। अगर आपको दोनों चीजों में से एक चीज चूज करनी है तो डेफिनेटली गो विद मैक्सिमम कोर्स। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आती है एएमडी वर्सेस इंटेल में, तो देखो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ इंटेल बिकॉज मैंने देखा है कि उसमें स्टेबिलिटी काफी है ड्राइवर्स को लेके, वेयर एज एएमडी का फीडबैक आता है कि उसकी स्पीड डेफिनेटली नो डाउट ज्यादा तेज है इंटेल से, लेकिन उसमें कुछ कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, प्लस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम उसकी थंडरबोल्ट कनेक्शंस के साथ भी होती है। इसी के साथ अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो सेकंड पॉइंट है वो है मेमोरी, जिसको हम रैम भी बोलते हैं। तो रैम का होना कहां पे फायदा देता है, जब भी आप सैंपल्स वगैरह यूज कर रहे हो, जब भी आपको लगता है कि आपका काम मिक्सिंग हैवी मास्टरिंग हैवी है, या फिर अगर आप सैंपल्स का ज्यादा यूज करते हो तो आपको रैम की जरूरत है। और अगेन अगर आप सिंस या फिर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो जहां पे रियल टाइम आपको प्रोसेसिंग चाहिए, वहां पे आपको सीपीयू की जरूरत है। तो रैम के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 8GB रैम होना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो बाद में भी एक्सपैंड हो जाती है। तो इनकेस अगर आप लोग बजट पे टाइट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सीपीयू को प्रायोरिटी दे सकते हैं, बिकॉज एक सीपीयू अपग्रेड करना काफी कॉस्टली हो सकता है, वेयर एज रैम जो है रैम आप धीरे धीरे भी बढ़ा सकते हो। इसी के साथ अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोरेज। तो स्टोरेज में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, SSD और HDD। तो SSD जो है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव और HDD जो है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की टेक्निकल डिफरेंस में नहीं जाऊंगा मैं, बस ऊपर से अगर डिस्कस करना हो तो SSD जो है वो लगभग 16 टाइम्स फास्ट है आपकी HDD से। तो काफी सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि SSD ही ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक नुकसान ये आता है, या मैं कह सकता हूँ कि एक पॉइंट ये आता है कि उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है। तो इनकेस अगर आप लोगों का बजट है तो आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट SSD ले, बिकॉज SSD से आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगी और आपका सिस्टम जो है वो लैगिंग इश्यूज फेस नहीं करेगा। तो अगर स्टोरेज अमाउंट की बात करें तो 500GB SSD बहुत होना चाहिए, और उसके साथ आप लोग एक हार्ड डिस्क ले सकते हैं जिसके अंदर आप अपने सैंपल पैक स्टोर कर रहे हैं, प्लग इन सेटअप स्टोर कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका काम म्यूजिक प्रोडक्शन वाइज काफी हैवी है, अगर आपको सिंथेसाइजर्स या बड़े बड़े प्लगइन्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको कम से कम 1TB स्टोरेज तो चाहिए, बिकॉज अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि एक प्लगइन है जो लगभग 500GB स्टोरेज लेता है आपके सिस्टम में। उसके अलावा आपको सिस्टम को भी कुछ ना कुछ स्टोरेज देनी पड़ेगी, अपने सॉफ्टवेयर को भी देनी पड़ेगी, तो आपके पास हार्डली कुछ स्पेस बचेगी। तो इसीलिए अगर आप लोगों का बजट है, अगर आप लोगों को हैवी सिंथ्स यूज करने, हैवी प्लगइन्स यूज करने हैं, तो आप लोगों के पास कम से कम 1TB स्टोरेज तो होना चाहिए। तो अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूं जिनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है इंडिया में, जिनका कस्टमर सर्विस भी अच्छा है एंड उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, वो है HP, Asus, Dell। तो हमेशा एक चीज याद रखें, आप लोग देखेंगे कि सेम फीचर्स वाले लैपटॉप्स में भी प्राइस डिफरेंस होता है। तो प्राइस डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है, जितना ज्यादा आपका कम होगा प्राइस, उतना ही ज्यादा लो क्वालिटी होगी आपके कंपोनेंट्स की और उतना ही ज्यादा लो होगा आपका कस्टमर सपोर्ट। इसके अलावा कोशिश करें कि चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाइनीज लैपटॉप्स ना लें, क्योंकि टेक्निकली हम सबको पता है कि क्या नुकसान है उनमें, और अब तो पॉलिटिकली भी काफी रीजंस पता है हम लोगों को। भाई लेकिन एक चीज तो तू बताना ही भूल गया। क्या? अगर विंडोज के इतने फायदे हैं तो तूने दो दो मैक क्यों ले रखे? बिकॉज आई कैन। और उसमें से ये भी बता दे कि मेरी रॉयल्टी का शेयर कितना है।